मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। जो आप लोगों का दरगाह गली में जो झगड़ा हुआ था एक दूसरे से पड़ोसियों का, उस मामले में आप सब क्या कहना चाहोगे? अभी हमारा समझौता हो गया, किसी से कोई किसी को रंजिश नहीं है, कुछ नहीं। जितने भी पड़ोसी लोग हैं आप सब एक दूसरे से सहमत हो? सहमत हो। आपा, दो दिन पहले आपकी तरफ से भी एक न्यूज़ चलाई गई थी और आपकी जो सामने जिस पक्ष से आपका झगड़ा हुआ था उनकी ओर से भी एक न्यूज़ चलाई गई थी हमारे जरिए से। अब आप लोगों का दोनों का सेटलमेंट हो चुका है शानू भाई के यहाँ पर आकर, तो आप क्या कहना चाहोगे उस मामले में? अभी दोनों को एक दूसरे से कोई रंजिश है वो नहीं है, झगड़ा नहीं है अभी एक दोनों से, आप लोगों का आपस में कोई रंजिश नहीं बचा है अभी। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? मैटर हम लोग का सब सॉल्व हो गया है, एक दूसरे ने सबको सॉरी बोल दी है, ये पेपर में सब लिखा हुआ है। जो लड़के लोग ने बोले थे कि ये लोग ने बोले थे कि लड़के लोग ने ऐसा ऐसा बोले ना, वो भी फेक है और हमने जो बोले वो भी सब सॉल्व हो गया। पेपर बताओ ना। मतलब अभी दोनों पक्षों को एक दूसरे से कोई रंजिश नहीं है? नहीं नहीं है। जो भी इल्ज़ाम लगा इन लोग, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम लगाए थे वो सारे गलत थे दोनों पक्षों की तरफ से? दोनों लोगों ने गुस्से में सोना चोरी करने का जो भी लगाए हैं, जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं सब गलत थे, और जो मैंने लगाए और जो भी लड़के लोग ने मारे थे सब माफ़ी मांग लिए, हम लोग ने सब क्लियर कर दिए और दवाखाने के बिल वो सब भर दिए। तुम भी बोलो जो मैंने लगाए वो भी झूठे। हाँ झूठे वो भी ना, मैं तुम लोग बोलो, तुम लोग बोले नहीं, हम लोग ने भी जो इल्ज़ाम लगाया झूठ है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर, ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।